आपकी पत्नी ने मुखिया प्रत्याशी के लिए नामांकन किया है, किस मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं वोट मांगने के लिए? मुद्दा तो अभी तक तो सबसे पहले हम देख रहे हैं जो पंचायत पहले का था, जो पहले के मुखिया जो थे, उनका अभी जल नल का तो पूरा काम पूरे हैं, जबकि जल की बहुत आवश्यकता है। गली नली भी अभी पूरा नहीं हो पाया है हमारे यहाँ जितने पंचायत है। कुछ गाँव में हुआ है, बहुत सारे गाँव जो है अभी बाकी है जहाँ नहीं पूरा हो पाया है। सबसे पहला चीज कि हम समाज का विकास करना चाहते हैं, समाज का विकास सबसे जरूरी है। गली नली से विकास जरूरी है समाज का, जो हम जोड़ना चाहते हैं सारे समाज को। आप जीतेंगे तो सबसे पहले क्या कीजिएगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सारे वार्ड जो होंगे हमारे जो जीते हुए हैं, सारे लोग को बुलाकर एक मीटिंग करेंगे और हर गांव अपने लड़कों को लेकर के द्वार द्वार पर सारे जगह घूम के पता करेंगे किसको क्या जरूरत है, किस लोग को किस चीज़ की कमी है, कहाँ गली नहीं है, कहाँ पे किस चीज़ की आवश्यकता है। सारे जांच करने के बाद हम सारे मुद्दे पर काम करना शुरू करेंगे। आपका पंचायत में गरीब तबके के लोग ज्यादा रहते हैं, जो मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते हैं, उनके लिए आप सर्वप्रथम क्या करेंगे? उसके लिए तो हमने चुनाव से पहले ही श्रम कार्ड बनवाया है, जो 3500 रुपया अभी आ रहा है सारे लोगों का। अभी 150 लोगों का कुछ दिन पहले ही हम श्रम कार्ड बनवाया है जिसमें 3500 रुपया आ रहा है, और उसके बाद जो है उन लोगों को रोजगार दिलवाया जाएगा। इंदिरा आवास जो सबका है, जो गरीब लोगों का दिलवाया जाएगा, वो भी फ्री, जिसमें पैसा लगता है, पैसा नहीं लगेगा अभी जब हम होंगे। आपके पंचायत में अभी तक कितने लोग ऐसे हैं जो मकान विहीन है, गरीबी में अपना जीवन बसर कर रहे हैं? 1200 लोगों का हम अभी तक आंकड़ा कर पाए हैं, जिनके बिल्कुल नहीं है, जिनका हम इंदिरा आवास दिलाना चाहते हैं, जिनको हम लोग सारे फोटो वोटो खिंचवा के अपना उसका एक डाटा बनवाए हैं, जिनको ले जा करके देंगे। चुनाव से पहले तमाम तरह के वादे करते हैं और उसके बाद आदमी मुकर जाता है, अपने चुनाव वादे से मुकर जाते हैं, क्या ऐसे में आप उनमें कहाँ खड़े हैं अपने आप को? ये तो हमारी जनता बताएगी, सारे लोग समझ रहे हैं, चूंकि काम मैं चुनाव से पहले इतना कर दिया हूँ कि सबको भरोसा हो गया। आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद कुमार पांडे है, ग्राम भड़सरा। आपने मुखिया के लिए यहाँ पे नामांकन किया है, तो सर्वप्रथम आप अपने पंचायत में क्या करेंगे जीतने के बाद? सर्वप्रथम अपने पंचायत में विकास लाएंगे।